नमस्कार। तो आज हम बंगाल फुटबॉल के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो कुछ दिनों से कोलकाता फुटबॉल, बंगाल फुटबॉल की ही बात चल रही, बिकॉज ट्रॉफीज वो जीत रहे हैं और काफ़ी चीज़ें हो रही है। तो आज हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे कि कुछ लोगों का मतलब जो पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और जो रियलिटी भी कि कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो बंगाल में खेप फुटबॉल टूर्नामेंट चलते हैं तो ये बहुत ही एकदम अनप्रोफेशनल होते हैं, जिनमें किसी को कब इंजरी हो जाए, क्या हो जाए, लाइफ टाइम मतलब इंजरी हो जाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन इसके अलावा खेप फुटबॉल टूर्नामेंट में पैसा भी बहुत है। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद में आपका एक ओपिनियन जानना चाहूँगा कि आप खेप फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, जैसे कि कहा जाता है कि जो कलकत्ता फुटबॉल लीग है, जितना प्राइज मनी उसमें होता है उतना ही प्राइज मनी खेप फुटबॉल टूर्नामेंट्स में भी होता है। तो इक्वली मतलब सोचिए कि एक प्रोफेशनल लीग का प्राइज मनी एक खेप फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि शायद कुछ दिन चल के ख़त्म हो जाता है, उतना मतलब प्राइज मनी है उसमें 15 लाख 10 लाख रुपए तक का, और ऊपर से उसमें इनाम में जो है टीवी, गाड़ी ये सब भी मिलता है। ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, मतलब प्राइज मनी से हटके वो चीज़। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि जो कलकत्ता फुटबॉल लीग है, अगर आप उसमें देखते हैं कि एक प्लेयर कितने कमा लेता है, तो एक प्लेयर देखिए उसमें 25-30-40-50 ऐसे लाख रुपए तक कमाता है। और कलकत्ता फुटबॉल लीग तो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड की होती है, 4 महीने की, लेकिन खेप फुटबॉल टूर्नामेंट तो साल भर चलता है। और इसमें जो है, अगर वहाँ पे एक आंकड़ा जो निकल के आया था कि कुछ लोकल प्लेयर्स जो अच्छा पैसा कमा लेते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपये पर मैच कमा लेते हैं। और अगर एक प्लेयर ऐसे 15 हज़ार रुपये कमाने वाला एक मैच का, दो तीन मैच अगर पर वीक खेलेगा, तो आप सोच सकते हैं कि महीने भर में कितने कमा रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा आंकड़ा है कि भाई कुछ प्लेयर्स जो है खेप फुटबॉल टूर्नामेंट में खेल कर ही 2-3 लाख रुपये मंथली कमा लेते हैं। तो आप उनका साल भर का आंकड़ा समझ जाइए कितना कमाते होंगे। और वहीं पर फॉरेन प्लेयर्स थोड़ा सा और स्लाइटली ज़्यादा कमाते हैं। फॉरेन प्लेयर्स जो 20 से 30 हज़ार रुपये पर मैच कमा सकते हैं खेप फुटबॉल टूर्नामेंट्स में, तो ऐसे वो 4-5 लाख रुपये तक जो है महीने के कमा लेते हैं। तो ये एक मतलब मोटा मोटा आंकड़ा है, ऐसा हर कोई नहीं कमाता है। अगर आप बोलेंगे हर कोई इतने कमाएगा तो भाई तो सब प्रोफेशनल छोड़ के सब उसी में चले जाएंगे, क्योंकि फिर तो भाई 30-40 लाख रुपए पर ईयर कमा सकते हैं ना वहाँ पे। तो हर कोई नहीं कमाता। अगर आप मैं एक एग्जांपल बताऊं कि बहुत पुरानी बात है, जब मैं एकेडमी में था तो वहाँ पर बंगाल के फुटबॉलर्स भी थे, तो कई फुटबॉलर्स थे खेप फुटबॉल जब घर आते थे तो खेप फुटबॉल खेलते थे, तो मुझे भी इन्वाइट करते थे। तो उस टाइम मैं बता रहा हूँ कि बोलते थे भाई कहीं पर 5 हज़ार रुपये पर मैच मिल जाएगा, कहीं पर 2 हज़ार रुपये पर मैच मिल जाएगा, तो तुम भी आ जाना खेलने के लिए। तो मतलब कि ये है कि वहाँ पर पैसा बहुत है, और मतलब करोड़ों रुपए है खेप फुटबॉल टूर्नामेंट में। और ये कोई पर्टिकुलर एक टूर्नामेंट नहीं है, मतलब एक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब वहाँ पर इस टाइप के टूर्नामेंट्स को खेप फुटबॉल बोलते हैं। ऐसे वहाँ पर तबकों में, गाँव में, जिलों में ऐसे होते रहते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। और इसमें कई, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कई एकेडमी ग्रेजुएट्स जो है वो खेप फुटबॉल टूर्नामेंट्स में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है उनको खेलने मिल जाता है, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, एजेंट का लोचा नहीं है, क्लब में बेंच पे बैठने का लोचा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पर उनको पैसा भी अच्छा खासा मिल जाता है। खुद सोचिए, अगर एक बंदा 10 हज़ार रुपये भी पर मैच ले, और अगर मान लीजिए कि एक महीने में भी अगर वो 10 मैच ही खेले, तो भाई 1 लाख रुपये उसको मिल गए ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इंजरी रिस्क भी बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी सेफ्टी वाला साइड कुछ नहीं है। अब देखिए, इसमें जो कई जो है लोग वो ये कहते हैं कि खेप फुटबॉल जो है वो इंडियन फुटबॉल के लिए हार्मफुल है, वो इंडियन फुटबॉल को मार रहा है। तो मैं इस चीज़ को बहुत डायरेक्टली तो नहीं कहूँगा कि वो इंडियन फुटबॉल को मार रहा है, लेकिन मैं कुछ हद तक ये कहूँगा कि उसमें कुछ चीज़ें होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो खेप फुटबॉल टूर्नामेंट लोगों के घर चला रहा है, जो कि कई लोगों का ऐसा कहना भी कि खेप फुटबॉल टूर्नामेंट जो है कई लोगों के घर चला रहा है, तो क्यों ना खेले उसमें। तो हाँ, मैं बिल्कुल एग्री करूँगा कि अगर आपका घर चल रहा है तो भाई खेलेंगे। अब इसमें ऐसा कहना है कि वहाँ पर 7 डेज खेल के जो है इंडियन फुटबॉल ग्रो नहीं कर सकते। तो देखिए, उसमें सिंपल सी बात है कि आप जो है खेप फुटबॉल टूर्नामेंट को ही क्या इंडियन फुटबॉल को रोक कर रखा है, ऐसा क्यों समझ रहे हैं। उसमें सिंपल सी बात है कि आप अपनी प्रोफेशनल लीग्स को अच्छा करिए। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक टाइम पे आई लीग में सब खेलने के लिए मर रहे थे, सबको आई लीग में जाना था। सडनली एक ISL आता है जो और ज़्यादा बेटरमेंट के साथ आया, पैसा लेकर आया, स्पॉन्सर्स लेकर आया, क्वालिटी लेकर आया, अब सबको ISL में जाना है। आई लीग का जो एम था वो हटके अब ISL शिफ्ट हो गया। तो सेम है, अगर वहाँ पर कलकत्ता फुटबॉल लीग ऐसी हो जाए या अदर लीग्स कुछ हो, कुछ भी,
वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसमें पैसा हो, सब कुछ हो, तो खेफ फुटबॉल टूर्नामेंट कोई क्यों खेलना चाहेगा? क्योंकि कई प्रोफेशनल टाइप के प्लेयर्स जो है वो खेफ फुटबॉल में खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? बिकॉज वहाँ पे पैसा, उनको पैसा मिल सकता है, उनका घर चलेगा। यहाँ पर देखिए, खेफ फुटबॉल टूर्नामेंट बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन अगर वहाँ से किसी का घर चल रहा है तो क्यों नहीं खेलेगा, सिंपल सी बात है। तो आपको अपनी जो लीग्स है उनको बेटर करना पड़ेगा, अपने क्लब्स में जो स्पॉन्सर्स लेके आना पड़ेगा ताकि पैसा कमा पाए प्लेयर्स, तो इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा फिर, अगर वो खेफ फुटबॉल टूर्नामेंट को बोलना है कि हार्मफुल है तो। और एक और चीज़ है कि खेफ फुटबॉल टूर्नामेंट में जैसे रेगुलेशंस ला सकते हैं या उसमें जो है वो एजुकेट कर सकते प्लेयर्स को कि आप अपना इंश्योरेंस करवाइए, क्योंकि भाई 10-15 हज़ार रुपये अगर आप एक मैच का कमा रहे हैं तो क्या साल भर का 10 हज़ार का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते? बिल्कुल करवा सकते हैं, ताकि इंजरी हो तो आप जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह भी ले सकें। तो एक तो एजुकेट कर पाएँ, मतलब खेफ फुटबॉल के प्लेयर्स को एजुकेट नहीं करना है, नॉर्मली जो आप जिनको ट्रेन करते हैं उनको एजुकेट करना, क्योंकि वही फुटबॉलर्स तो जाके खेफ फुटबॉल में खेलते हैं ना, क्योंकि खेफ फुटबॉल में क्वालिटी प्लेयर्स भी तो जाते हैं कई। तो ये कि एजुकेट भी करना है आपको और बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो खेफ फुटबॉल टूर्नामेंट से आपको लोगों को स्विच करना पड़ेगा प्रोफेशनलिज्म की साइड। तो ये है, तो सिंपल सा तरीका ये है कि आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा वहाँ के एसोसिएशन को, ना कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन तो खेफ फुटबॉल का कुछ नहीं कर सकता। जो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन है कोलकाता वाला, वो कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल का एसोसिएशन। आपको जो है कुछ करना पड़ेगा कि खेफ फुटबॉल टूर्नामेंट्स को, या तो आप खेफ फुटबॉल को थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करिए कि प्लेयर्स इतना रिस्की गेम ना करें वहाँ पे, कि वह हर डेली मैच खेल रहा है। जो मैंने, ये मेरा ओपिनियन था, इसमें आपका ओपिनियन क्या हो सकता है वो भी मैं जानना चाहूँगा कि खेफ फुटबॉल टूर्नामेंट्स चलिए हार्मफुल है, वहाँ पे कई टैलेंटेड प्लेयर्स मर रहे हैं, मतलब मरने का मतलब कि जो शायद प्रोफेशनल में जा सकते हैं लेकिन वो प्रोफेशनल में ना जाकर खेफ फुटबॉल में खेल रहा है ताकि पैसा मिल रहा है। तो जो एक टैलेंटेड प्लेयर है जिसको और ऊंचाई पर जाना चाहिए, वो नीची जगहों पर जा रहा है। तो ये एक बात बिल्कुल बनती है कि टैलेंटेड फुटबॉलर्स जो है वो अपना पोटेंशियल जो है कम कर लेते हैं। तो ये एक है, तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है खेफ फुटबॉल के ऊपर? जितना भी आप कहना चाहें, या आप बंगाल से बिलोंग करते हो तो आपने रियल देखा होगा चीज़ें, क्योंकि मैंने एकदम जाके तो नहीं, मैंने मैंने फ्रेंड्स से या लोगों से सुनी है ज़्यादातर। तो आप इसके बारे में क्या आपके विचार है, आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए। और जो खेफ फुटबॉल में खेलते हैं, अगर आप भी खेफ फुटबॉलर होंगे तो आपका क्या इसके ऊपर थॉट है कि क्यों खेलते हैं और प्रोफेशनल में जाने में क्या दिक्कत है? तो ये ताकि हम वो जो है ना सिस्टम उसके ऊपर काम कर सकें, आप बताइए क्या दिक्कत है, तो उसके ऊपर हम सोचें, मतलब ये चीज़ें हम लोगों तक पहुंचाएं, ऊपर अथॉरिटी तक पहुंचाएं कि ये दिक्कतें आती प्लेयर्स को, इसलिए वो खेल फुटबॉल में खेलना पसंद करते हैं। तो आप वो भी कमेंट में लिख के बताइएगा ताकि वो जान पाए सभी लोग, ठीक है? तो ये थोड़ा सा करिएगा, ये मैं भी जानना चाहूँगा। इसके अलावा एक खुशी की बात यह है कि कोलकाता में ही एक क्लब निकल के आया है, टेक्नो इंडिया ग्रुप है, जो कि एक एजुकेशनल ग्रुप है, उन्होंने एक क्लब लॉन्च किया है, यूनाइटेड कोलकाता स्पोर्ट्स क्लब। तो ये क्लब अभी लॉन्च हुआ है, फर्स्ट डिवीज़न से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, और इनका जो एम है, बिकॉज फाइनेंस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो इनका जो एम है वो इंडियन सुपर लीग में आने का है। तो देखिए, एक तो डायमंड हार्बर भी जो है वो भी इंडियन सुपर लीग का एम बना के चल रहा है, देन अभी एक यूनाइटेड कोलकाता स्पोर्ट्स क्लब भी आ गया जो इंडियन सुपर लीग का एम बना के चल रहा है। तो आप सोचिए, कोलकाता से मे बी आपको फ्यूचर में 5 इंडियन सुपर लीग क्लब देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज देखिए उनके पास फाइनेंस की कमी नहीं है, तो वो पूरा मैनेजमेंट करके प्लेयर्स अच्छे करके वो पहुंचेंगे वहां तक। क्योंकि आपको पता है कि जो डायमंड हार्बर क्लब है वो अभी भी बना और अभी देखिए कहाँ पे आ गया, तो है ना, ये सब क्लब भी आएंगे। तो देखिए कि बंगाल में और क्लब्स निकल के आ रहे हैं, तो क्या यही चीज़ हम अदर स्टेट से नहीं मांग करते? अब देखिए मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, पर लोग मुझे गाली देते कि अपने स्टेट में काम करो, भाई हमको क्यों ब्लेम कर रहे हैं? हम ब्लेम नहीं कर रहे, हम बस यहां से लर्निंग लेने का बोल रहे हैं हमारे स्टेट वालों को कि देखो बंगाल में 5 क्लब होने है ना, हो सकते हैं फ्यूचर में ISL में, और यहाँ से एक भी नहीं, आई लीग में भी नहीं है। तो ये वो है कि अब हमारे यहाँ के अथॉरिटीज़ को तो सोने से फुर्सत नहीं है, तो हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन बहुत अच्छी बात है बंगाल फुटबॉलर्स के लिए कि अगर फ्यूचर में 5 ISL क्लब आपके वहाँ से होते हैं, तो आप खुद सोचिए कि प्लेयर्स के लिए, मतलब लोकल में एक बंगाल में जो जन्म लेगा प्लेयर, उसके पास 5 ऑप्शन रहेंगे टॉप डिविजन में खेलने के लिए, 5 ऑप्शंस कि भाई किसी के भी यूथ सिस्टम में घुसो, अच्छा खेलते रहो, तो आप उसी क्लब में सीनियर में खेलोगे आगे 7-8 साल बाद, तो कितनी अच्छी बात है। तो ये सीखने जैसी बात है दूसरे स्टेट के एसोसिएशन को कि वो भी कुछ लोगों को ऐसा जगाएं कि यार हम भी काम कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट एसोसिएशन थोड़ा सही काम करेगा तो क्लब्स जो है ना, लोग क्लब बनाने का सोचेंगे। जैसे हमारे इधर एसोसिएशन अच्छा काम करेगा तो और भी लोग आएंगे, हमारे सिटी से भी क्लब बन जाए, हम ही बना लें छोटा मोटा क्लब, तो है ना कर सकते हैं, लेकिन वही है कि सब चीज़ें डिपेंड करते, तो देखते क्या होता है। बाकी अच्छी बात है कोलकाता फुटबॉलर्स के लिए, तो खेफ फुटबॉल के ऊपर आपका थॉट जरूर रखिएगा, और यूनाइटेड कोलकाता स्पोर्ट्स क्लब के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें
शुभकामनाएं देना चाहे वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका थॉट्स है जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।